मेरा नाम जॉन है। मैं सुने आया था जिसमें मेरा ख्याल है आज के दौर में जो चंद आवाज़ें मायने रखती हैं वो आवाज़ें बोल रही थी, और मैंने सोचा कि बाकी सब छोड़कर उनको सुनने आ बोलने नहीं आया था। और क्योंकि हुक्म था कि आप बोलिए और मोदी के चार साल पर बोलिए, तो जो मेरे को बोल रहे थे ये मैंने उनको कहा हुक्म तो मैं अपने बाप का भी नहीं मानता, बोलूँगा तो वही जो मैं बोलने आया हूँ। मेरा नाम है जॉन दया। मेरी गोत्र है भारद्वाज। मेरी कास्ट है ब्राह्मण और मैं ईसाई कैथोलिक समाज का आजकल सदस्य हूँ जन्म से। मैं हिंदू बनना मांगता हूँ, अगर आप मेरे को बताएं कि आप मेरे को किस कास्ट में लेंगे, क्या मेरे को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण मानकर, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अंग्रेजी भी जानता हूँ, हल्की सी हिब्रू भी जानता हूँ, थोड़ी सी संस्कृत भी जानता हूँ और काफ़ी सारी उर्दू जानता हूँ, अंग्रेजी तो जानते हैं, क्या मैं शंकराचार्य बनने की कोशिश कर सकता हूँ? क्योंकि पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब शंकराचार्य सुब्रमण्यम से पूछा गया कि आप लोग दलितों की अजय सिंह जैसे दलितों की घर वापसी करवाइए, तो उनको अपने मंदिरों में जाने की परमिशन देंगे? तो ऑन रिकॉर्ड है कहते हैं जॉन दया जो नहीं बोलता, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा छोटी जाति के लिए छोटे मंदिर हम बनवा देंगे, भव्य मंदिर थे, भव्य मंदिर तो वही बने। ये कहना बहुत जरूरी है जो मैं आपने कहा, बड़े दुख से कहा है कौन हूँ मैं, कौन जाता है, माने कहा ये हैं आप और मान गए, मगर अपनी आइडेंटिटी के लिए मेरा खून हो सकता है, मैं अंडे की ऑमलेट ले जा रहा हूँ तो कह सकते हैं कि गाय का मांस खून हो सकता है, क्योंकि कोई मशीन अभी बनी नहीं है जो 15 सेकंड में बता दें कि भैंस का है, गाय का है, गोरे का है, गधे का है, इंसान का मांस है, या तो ब्लड टेस्टिंग में 24 घंटे लग जाते हैं। इस दौर में ह्यूमन आइडेंटिटी के बारे में जिक्र करना मुश्किल है। मोदी के राज में क्या हुआ 4 साल में वो हम हर साल एक किताब निकालते हैं, मोदी का पहला साल, मोदी का दूसरा साल, मोदी का तीसरा साल, तो ये मोदी के 4 साल और 2 महीने का चिट्ठा बैठा है। भारत के बेस्ट इकोनॉमिस्ट, बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट कल्चरल एनालिस्ट ने लिखा है, थोड़ा सा मैंने भी इसमें लिखा है कि अखिलेश के साथ क्या हो रहा है। तो ये तो आप कोई भी खरीद के पढ़ सकता है और amazon.com पे हम उसको आधे दाम पे बेच रहे हैं। ये मैं जहाँ पर एक लड़की है उसको तोहफा देना मांगता हूँ, वो है साउथ कैंपस की छात्र, पॉलिटिकल साइंस की है, हमारे प्रांत केरला से आती है, मैं उससे बात कर रहा था 2 बजे वो आए जल्दी आ गए थे, उसकी क्लास में 5 अखिलों की लड़की है, 2 ईसाई 3 मुसलमान, मगर पूरी क्लास में पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस की छात्रा है, पॉलिटिक्स का जिक्र नहीं होता है, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स के क्या इश्यूज हैं, क्या उसके मुद्दे हैं, वो सारे बह गए, कोई उनका जिक्र नहीं कर रहा है, नारों का, जुमलों का, जुमलों ने स्थान ले लिया है राजनीति का, राजनीति ज्ञान का, और ये सबसे बड़ा जो मोदी का राज का खतरा है, उसने इंसान के दिमाग को पका दिया है जैसे कोई अल्ट्रावायलेट रेस हो। तो ये किताब मैं बड़े अदब के साथ बिना किसी सजा से फातिमा कहाँ लड़ने हो जाएंगे और बाद में आप यहाँ से लेंगे।
ये ऐसी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आधे में ज्ञान है इकोनॉमी के साथ, डिमोनेटाइजेशन के साथ वगैरह वगैरह, कल्चर के साथ, एजुकेशन के साथ क्या हुआ, मगर बाकी आधे में पत्ता दर पत्ता इल्म है हर खून का, हर खून मुसलमान का, ईसाई का, इतने का, हर अब्यूज का, हर उस जुमले का जो कहती है तुम अगर रामजादे नहीं हो तो हरामजादे। और ये तो मैंने, क्योंकि यहाँ पे इतनी महिलाएं हैं और सब आप लोग तकरीबन स्वामी अग्निवेश कुछ और उम्र से छोटी उम्र नहीं होंगे, वो मेरे से बड़े हैं, तो उनके सामने कहने में कुछ झिझक आती है। हर गाली का इसके अंदर अंग्रेजी में URL है कि आप उसको जाके उसका ओरिजिनल देख सकते हैं। बहुत ही कीमती चीज़ है, बहुत लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाई है। शुरू में ओवेस ने जिक्र किया था मुर्दों का, लाशों का, कब्रों का, और मैं भी दोबारा लाशों का, कब्रों का, मुर्दों का जिक्र करना मांगता हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स बदल जाती है, लोग आते हैं, कुछ कहते हैं, चले जाते हैं, मोदी भी चले जाएंगे, क्या याददाश्त रहेगा। इमरजेंसी का जमाना था बेटा, किताब दिखा, और स्वामी और मैं जवाब देता तुर्कमान गेट पर गोली चली थी, तुर्कमान गेट पर गोली चली थी, लोग पड़ोस में रहने वालों को भी पता नहीं था कि गोली क्यों चली और चली है कि नहीं चली, क्योंकि जब कंट्रोल होता है तो अफवाहें होती हैं, सच्चाई ज़्यादा फैल सकती है। मगर क्या था वजह कि गोली चली है, मुसलमान मरे हैं, कैसे पता लगा? क्योंकि लाशों को आप उबाल के खत्म नहीं कर सकते ना, दफन उनको इंडियन एक्सप्रेस के पीछे दफनाने, जब लाश पहली लाश आई तो कुछ भी हो सकती है, दूसरी आई वो भी कुछ हो सकती है, तीसरी आई टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पचास सौ आएगी, लोगों कुछ तो हुआ है शायद। इंडिया गेट से लेके तुर्कमान गेट तक जो बलवा था उसे, उसकी आज भी अगर कोई याददाश्त है तो इंडियन एक्सप्रेस से लेके पेट्रियट लिबर्टी के पीछे जो पुराना मुसलमान कब्रिस्तान है उसकी एक कब्रों की एक लाइन है। इस वक्त मैं कहता हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और पिछले दो साल में हर्ष मंदिर जो पुराना आई एस का अफसर था और अपने छोटे छोटे और मैं तकरीबन हर उस कब्र को, अगर उस कब्र तक ना जा पाए तो उस घर पे गए हैं जहाँ पे लिंचिंग हुई है। राजस्थान का ही भर जाते हैं ना, तकरीबन आप कह सकते हैं महीने में दो बार, आसाम और बंगाल सिविलाइज लोग और उत्तरी कर्नाटका, क्योंकि यहाँ पर दो कर्नाटक के लीडर बैठे हुए हैं, यहाँ पर लिंचिंग के लिए बड़ी थॉट आउट डिटेल्ड प्लान लिंचिंग, जिसमें कोऑर्डिनेशन के लिए आदमियों का, गाड़ियों का, हथियारों का टाइमिंग। मोदी सरकार में वायलेंस आउटसोर्स हो गया है, सब जानते हैं। मोदी सरकार में पुलिस इस हद तक मिल गई है कि जब पुलिस वाला मर जाता है तो उसको भी बचाने के लिए बाकी पुलिस वाले नहीं आते। वर्दी की भाईपन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो शपथ लिए लिख के उसका भाईचारा, इकट्ठे लड़ने मरने की ट्रेनिंग का भाईचारा भूल जाते हैं, मौत के सामने भाग जाते हैं। ये है मोदी के राज की याददाश्त। सबॉर्डिनेट जज, बार एसोसिएशन दर बार एसोसिएशन रेजोल्यूशन पास करती है कि हम मुसलमान का केस नहीं लड़ेंगे, और चीफ जस्टिस उस प्रांत का कुछ कहता नहीं, मंत्रिसभा हमें प्रांत दर प्रांत, मैंने आपको बताया पुलिस देखी है कि
किस तरीके से या तो पीर के आगे को पिटती है या पीर के साथ है, चाहे ईसाइयों की पिटाई करनी हो और चर्च को तोड़ना हो या मुसलमान को मारना हो। सबॉर्डिनेट जो लीगल सिस्टम है, वकीलों का मैंने आपको बताया, सबॉर्डिनेट जज क्या कहते हैं वो भी हम आपको खुलासा कर सकते हैं, कम से कम फातिमा आज पढ़ लेंगे। क्या हो गया है कि हाईकोर्ट के जज जब जुबान खुलती है किसी भी ओबिटा जो बहस के दौरान वो बोल देते हैं, उसमें भी उतना ही जहर होता है जितना किसी संगी की जुबान पर। कुरियन साहब ने बात पूरी तरह खुलासा नहीं की है, मगर किसी दिन करेंगे कि हाईकोर्ट की बेंच की टी ब्रेक में किस लहजे में बात होती है। और शाम को लोकल जिमखाना सिविल एंड मिलिट्री क्लब में तो घूट पीने के बाद किस लहजे में बात होती है। इस्लामोफोबिया आज हिंदुस्तान में पॉल्यूशन से ज़्यादा है, पीपीएम पार्टिकुलेट मैटर से ज़्यादा है, और हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे आने वाली नस्ल के लिए किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा खतरनाक है। ये मैं आपको पूरे होश आवाज में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ। मैं अपने चर्च में कहता हूँ कि अगर आपने इस्लामोफोबिया रखा इट विल बी द डेथ ऑफ अस। एंड आई टेल यू इन इंग्लिश बिकॉज इन हिंदी आई कांट कन्वे टू यू माय पेन। इफ वी डोंट क्विट एंड इरेडिकेट इस्लामोफोबिया टुडे इट विल बी द डेथ नॉट ओनली ऑफ जॉन एंड हिज फैमिली which is full of Hindu married relatives and one Muslim relative, it is the death of this country. Because we are not Saudi Arabia, we are not England, we are not anybody else, we are India, where everybody has a right, a birthright to be what he is, or to mix and marry. And what have we come to? You can't have this meeting in a SAM involving civil society. It will either be a meeting of Ahoms or of Muslims or of Christians, 90%. Because if you ask them to come with you to investigate a NRC suicide, a National Register of Citizenship suicide, or a, what do they call a doubtful voter suicide, nobody will come with you. You have to go there alone, risking not only civil society anger, but police anger. आप वहाँ पे गए तो क्यों गए? जैसे आसाम का मुसलमान कीड़े मकोड़े। This is the situation in the universities, among professors, among artists, among journalists, recorders, documenters of contemporary history, journalists. And this is the contribution, the poison of Mr. Moses Ajim, because it has normalized it. It has normalized a hatred towards communities. It has normalized majoritarianism. It has therefore normalized the erosion of the Constitution, if not the entire demolition. To what extent have they eroded, penetrated the Constitution? We only know once Modi goes. And then we measure it, how many years will it take to bring it back? It wasn't a perfect world I was born in. It was still a communal world. Mr. Nehru and Mr. Ambedkar could not prevent religious bigotry in the Constitution of India in many, many places, impacting our Muslims and Christians. But still, you could breathe, you could live, you could squirm, but you could still walk straight. How many years will it take after Mr. Modi leaves? Voluntarily, on the disgrace of defeat? We will know how many years will it take us to bring it back to what it was. I apologize for my